अच्छा जी, गुड मॉर्निंग। आज बेसिकली संडे का दिन तो नहीं है, आज ट्यूसडे है। और आज मेरा सुबह उठने का मकसद ये है कि बेसिकली मैं आज वो देखना चाहता हूँ कि वो कौन लोग हैं जो सुबह सुबह जल्दी उठ भी जाते हैं, उठ जाते हैं यहाँ तक बात ठीक है, उसके बाद मॉर्निंग वॉक पर जाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं। इधर आना था, अभी मैं हिल पार्क में हूँ और यहाँ पे मैं आने का मकसद यही था कि मैं वॉक वगैरह करूँगा, जॉगिंग करूँगा। अभी मैंने पीछे देखा बुड्ढे वहाँ पे एक्सरसाइज कर रहे थे, लाना था हम लोगों की शक्लों पे। हम लोग बिल्कुल भी अपनी फिटनेस का ख्याल नहीं रखते हैं और ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है यार। मतलब हम जॉब वाले लोग हैं और हमारी फिटनेस लेवल बिल्कुल ज़ीरो होता है, तो मैंने तो यही डिसाइड किया है। वैसे आजकल मेरी शिफ्ट जो है वो शाम की है, तो मेरे लिए आसान है सुबह आना। तो बस मैंने यही डिसाइड किया है कि हफ्ते में एटलीस्ट एक बार आप अपने आप को टाइम दें, वॉक करें, एक्सरसाइज करें, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। मैं बचपन से यहाँ पे आ रहा हूँ और अब मेरे को 10-12 साल हो गए हैं, उसके बाद आ रहा हूँ। ये पानी जो है हमेशा से ग्रीन ही रहा है, कभी मैंने इसको जो ना साफ़ सुथरी हालत में नहीं देखा है, तो यार अब तो कुछ करना चाहिए था इसका। थोड़ा सा चीज़ें एक्सप्लोर करेंगे, यहाँ पर काफ़ी टाइम बाद आ रहा हूँ यार, तो देखते हैं ज़रा क्या क्या नई चीज़ें हैं यहाँ पे। और यहाँ पे ब्लॉग करने में भी लिटरली इतना मज़ा आ रहा है, कोई यहाँ पे आपको देख नहीं रहा, चिल सीन है। वरना अगर कहीं पब्लिक प्लेस में ब्लॉग करो तो यार लोग ऐसे देखते हैं, पता नहीं यार कैमरे से बातें कर रहा है, अजीब लगता है। तो लेट्स सी। मैं काफ़ी टाइम से आने की सोच रहा था लेकिन मेरे में हिम्मत ही नहीं होती थी सुबह उठने की कि यार मैं इतनी सुबह उठूँ फिर आऊँ। और लिटरली मैं आया हूँ ना यार, मुझे इतना अच्छा लग रहा है यहाँ पर मॉर्निंग वॉक करने में। मेरा दिल कर रहा है कि मैं डेली आऊँ, बट ऐसा पॉसिबल नहीं है क्योंकि मुझे जो है ना बड़ी मुश्किल से उठाया जाता है, मैं खुद ही नहीं उठता हूँ। क्या सीन है, मतलब मेरी एज ग्रुप का बंदा तो कोई है ही नहीं, एक भी नहीं है यहाँ पे, सारे बुड्ढे और यार मतलब बड़ी उम्र के लोग हैं और मतलब मिडिल क्लास लोग हैं, मेरी एज का कोई भी नहीं। एक्चुअली मैं गलत दिन में आया हूँ ना, मैं ट्यूसडे को आया हूँ, मुझे सैटरडे या संडे को आना चाहिए था, तब लोग होंगे यहाँ पे। Beauty in the mundane. And as the light startled our eyes, we let go of disguise. And now there's something in the air. ऊपर वाला व्यू है, यहाँ पे भी काफ़ी लोग आते हैं। यहाँ से कुछ दिखाता हूँ सीन्स। हम लोग वहाँ से आते थे और ये वो जगह थी ना, इसको देख के ना मेरी बड़ी फटती थी, पता नहीं क्यों। मुझे जो ना डराया जाता था कि यहाँ पे चुड़ैलें, जिन, भूत, दुनिया की सारी बुरी चीज़ें यहीं पर हैं। तो यहाँ से हम आते थे और यहाँ से मैं देख के ना बड़ा डरता था, तो मैं बोलता था कि हम किसी और रास्ते से जाते हैं। मुझे सब याद है, मैं कुछ भी नहीं बोला। अच्छा जी, तो वो जगह एक्चुअली ये है जो मेरी फेवरेट ही अंकल देखें कैसे एक्सरसाइज कर रहे हैं। यही चीज़, यही पैशन मैं चाहता हूँ अपनी लाइफ में, इसी तरह मैं एक्सरसाइज करूँ, बट मैं इतना पैशन लाऊँ कहाँ से। एनीवेज अंकल शायद समझ रहे हैं कि हम उनकी वीडियो बना रहे हैं, ऐसा नहीं है। अच्छा, बेसिकली ये वो स्पॉट था यार जहाँ पे हम कभी नहीं आते थे, ये था। यहाँ से पूरा व्यू नज़र आता है, मैं भी आपको दिखाता हूँ। मेरा सवाल है अपने मम्मी से कि हम यहाँ पे क्यों नहीं आते, मतलब क्या रीज़न थी यार, ये तो सबसे अच्छा स्पॉट था। तो मैं दूर से देखता था और मुझे यहाँ पे लेके नहीं आते थे, पता नहीं क्यों, आई डोंट नो। बट मैं यहाँ पे अभी आया हूँ और मैं यहाँ से आपको जो है ज़रा व्यू दिखाता हूँ कि यहाँ से जो है ना बहुत दूर दूर के नज़ारे हो जाते हैं। सी, यू कैन सी एवरीवेयर यार, मतलब जहाँ तक नज़र जाए। तो यार ये जो है ना, आई लव दिस। सी, बड़ा सीन है यहाँ पे जो ना ऑन है। अभी कोई है भी नहीं, मैं बड़ा कॉन्फिडेंटली व्लॉग कर रहा हूँ, वरना मैं इस तरह से व्लॉग नहीं कर सकता। जब लोग इस तरह से देख रहे होते हैं ना कि यार ये क्या है, बंदा कैमरे से बातें कर रहा है, तो पाकिस्तान में व्लॉग करना आसान नहीं है भाई। तो अभी पता नहीं मैं कैसे कर रहा हूँ। यहाँ पे एक अंकल हैं, सानू अंकल कैसे हैं आप, कैरियर से हैं? अंकल ने बताया कि वो डेली आते हैं। अब मुझे अंकल से सवाल ये है कि अंकल इतना पैशन आप कैसे लेके आते हैं ये फिटनेस एक्सरसाइज इस एज में? 20 साल से डेली आ रहे हैं, 30 साल से। तो अंकल ये अभी हमारी जो नई जनरेशन है ये तो सिर्फ सो के वक्त ज़ाया कर रही है। मैं एक्चुअली काफ़ी टाइम से सोच रहा था कि मैं आऊँगा, एक्सरसाइज करूँगा, अब जाके मैंने डेली आना चाहिए आपको, इस उम्र में एडजस्ट हो जाएंगे तो सही। मुझे अभी आके तो बहुत अच्छा लग रहा है और अंकल हमारे लिए इंस्पिरेशन है कि मतलब हम जो यंग जनरेशन है वो इस चीज़ पर तो ध्यान ही देती, सोती रहती है। बिल्कुल देना चाहिए। अच्छा, मेरी एक्चुअली शाम की शिफ्ट है तो मैं सुबह उठ के जल्दी आ गया। हाँ जी, आ जाएगा। तो बड़ा अच्छा लगा अंकल से मिलके भाई, अंकल से
बहुत से लोगों को इंस्पायर होना चाहिए। लिटरली अभी वो जो अंकल से जिनसे बात हो रही थी वो अभी भी एक्सरसाइज कर रहे हैं और वही कोई नेक्स्ट लेवल की एक्सरसाइज कर रहे हैं, मतलब कि मैं सोच भी नहीं सकती, मतलब कि यार बहुत अच्छी बात नहीं है ये, हमें आना चाहिए, हमें एक्सरसाइज करनी चाहिए। यार वो अंकल तो मेरे ख्याल से कोई 70 ईयर्स के तो लग रहे थे मुझे, तो यार प्लीज़ यार अभी जो है ना ऐसा ऐसा धूप आ रही है, अभी निकलने का सीन करना है और मैंने नाश्ता भी नहीं करा, नाश्ता का भी करना है। थोड़ी सी और चीज़ें मैं आपको दिखाता हूँ यार, अभी और क्या दिखाऊँ यार, सब तो गया वो अंदर वाली साइड तो भी बंद हो गई ना मुझे सुबह का। सब चीज़ें एक तरफ, आपके भाई ने SOP का जो है ना वो ख़ास ख्याल रखा है, मास्क वास्क मैंने बड़ा अच्छी नस्ल का मास्क पहना हुआ, इन चीज़ों का मैंने बड़ा ख़ास ख्याल रखा, हमें किसी से हाथ भी नहीं मिलाया, अच्छा इंसान हूँ मैं बहुत। अच्छा एक और आपको मज़े की बात बताता हूँ कि मैं अपने साथ माइक लेकर आया था, लेकिन मुझे माइक की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, यहाँ पर इतना चिल सीन काम माहौल है, मुझे लिटरली माइक की ज़रूरत नहीं पड़ी और ऑडियो बहुत अच्छी आ रही है, तो मैं क्यों लगाऊं माइक यार। अच्छा जी अभी हमने एक और जगह ज़रा एक्सप्लोर की है, आज से पहले मैंने नहीं देखी थी, यहाँ पे भी कोई जगह है, अभी क्या पता मैं आगे चल के कोई ट्रेजर हंट भी मिल जाए। और अंकल क्या मुझे देख के हंस रहे हैं? नहीं, किसी और को देख के। अच्छा तो यहाँ पे सीढ़ियाँ हैं और आगे क्या है मतलब जाके देखता हूँ, मुझे बड़ी क्यूरियोसिटी हो रही है इधर क्या है, क्या हम घूम फिर के वहीं तो नहीं आ गए जहाँ से हमने स्टार्ट किया था? नहीं, यस मुझे याद आया, इधर एक और पार्क होता था जिसका नाम मेरे ख्याल से मिराज पार्क था मे बी, बट वो मेरे ख्याल से एग्जिस्ट नहीं करता, सामने ठीक ठाक डिस्ट्रक्शन हुई हुई है, लेकिन यहाँ पे वो एग्जिस्ट करता था मुझे अच्छे से याद है, मैं आया था। और भूत बंगला, यस भूत बंगला भी इधर होता था, सब ख़त्म कर दिया यार, इसको तो कुछ पूछने वाला ही नहीं है, वेरी बैड। बॉयज मिले ये हमें बताएंगे यार, यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे मैंने भी देखा पूरी डिस्ट्रक्शन हुई हुई, यहाँ पे मिराज पार्क हुआ करता था, वो कहाँ गया? मिराज पार्क ही नाम था, तुम्हें भी नहीं पता? टिकटॉकर्स तो नहीं हो? नहीं, पर फिर ठीक है, फिर ठीक है, फिर तुम लोगों से बातचीत हो सकती है, इस तरह से बोलना नहीं चाहिए, बट आज लोग यहाँ पे बच्चे बेसिकली बंक करके आए हुए हैं, दिखाना मुनासिब नहीं है, बट यार मैंने कभी बंक नहीं किया स्कूल में, दिस इज़ वेरी अनएथिकल सॉरी। यहाँ पे कुछ लोग मुझे मिले हैं और मैंने पहले उनसे परमिशन ली है, मैं ऐसी वीडियो नहीं बना रहा, लेकिन प्राइवेसी बहुत ज़रूरी है, तो आपने बैक बेंचेस की मीम्स वगैरह तो सुनी होंगी, यहाँ पे आपको लिटरली बैक बेंचेस यहाँ पे बैठे हुए नज़र आएंगे, चिल कर रहे हैं, क्या सीन है भाई? यार लाइफ एंजॉय कर रहे हैं। अच्छा तो यार मैंने हमने तो सिर्फ फेसबुक पे तो आजकल मीम्स वगैरह आ रही ना बैक बेंचेस वगैरह की, बर्बाद है हमारी घर बदर है। अच्छा नहीं यार जरूरी तो नहीं है, अगर एक दिन बंक कर लिया तो उसका मतलब ये थोड़ी है कि तुम्हारी जिंदगी बर्बाद है। अरे यार खैर खैर हो गई, मैंने मुझे बड़ी खुशी हो रही है तुम लोगों को देख के, यार मैं मतलब हम तो फेसबुक पे देख रहे थे ना मीम्स बन रही थी, अब हमने रियल में देख लिए बच्चे, फुल भाई कॉन्फिडेंस है, हल्के ही नहीं आ रहे। गुड हो गया जी, गुड हो गया, लगा ही रखो, बड़ा अच्छा काम कर रहे हो। अच्छा तो भी क्या है मतलब कि डेली करते हो ऐसा या फिर कभी कभी? अच्छा हफ्ते में एक लाजमी है, उसकी जो रूटीन है ना। चलो यही देखो ये लड़का ये जो बॉय है इसका नाम तो खैर छोड़ो जरूरी नहीं है लेना, लेकिन ये बहुत आगे जाएगा, बड़ा कॉन्फिडेंट लड़का है ये, तो खैर ऐसा नहीं है भाई, अपने आप को ज़्यादा वो नहीं करो कि तुम लोग अगर बंक कर रहे हो तो फेलियर हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है, यही जो चीज़ें हैं ना वो याद रहेंगी। अभी मेरा ब्लॉग बन रहा है ना तो तुम लोगों को मैं सबको लिंक दे दूंगा एक, और फिर ज़रा सब्सक्राइब कर देना भाई के चैनल को। मैंने मालूम किया ये सारे जो है अपना बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं, तो इन लोगों से मेरा सवाल है, तुम लोगों ने रिप्रोडक्शन पढ़ा है? जी भाई पढ़ा था, जी जी भाई पढ़ा के आते हैं हम लोग। अच्छा ओहो बड़ा हरामी हो, प्लीज़ हल्के ही नहीं आ रहे भाई, ये मुझे ही बोल रहे हैं कि भाई इनकी तस्वीरें खींचो,
ये सारे बॉयज हैं भाई देख लें, ये सारे बैक बेंचर्स हैं, अगर कल को ये फेमस होते हैं ना तो भाई इसका क्रेडिट मुझे जाता है। चलो आओ तुम लोग की पिक्चर्स देखो। अच्छा यार ओके दिस इज इट, आज के लिए इतना काफ़ी, धूप भी निकल आई है, बहुत मज़ा आया एक्चुअली उस टाइम में, मज़ा आया जब ये बैक बेंचर्स लोगों ने जो एंट्री मारी है ना, और बड़ा चिल सीन है यार, फुल एंजॉय कर रहे थे ये लोग, बड़ा देख के मुझे अच्छा लगा। और यार आज के लिए इतना ही, सो गुड बाय, अभी जाके मुझे जो है वो रेडी होना है, सॉरी सोना है, उसके बाद 4 बजे ऑफिस जाना है, तो खैर अल्लाह हाफिज़।